कोई मंथन नहीं, कोई बैठक केवल परिचय की बैठक, कोई मंथन अभी पहले राउंड में नहीं। पहले राउंड में तो कार्यकर्ता से रूबरू हुए, कार्यकर्ता को से खुद को भी रूबरू हुए, उनसे भी हम रूबरू हुए। इसके अलावा आज भी जो ये बैठक थी केवल प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ और प्रदेश के मोर्चे प्रकोष्ठों के संयोजकों के साथ परिचय की बैठक थी। नहीं, कोई टास्क नहीं, टास्क तो सेवा पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। वो एक इतना बड़ा टास्क है कि अगर हमने उसको पूरा कर लिया तो 80% जनता से हमारा संपर्क सीधे हो जाएगा। झारखंड और झारखंड में झारखंड में भाजपा कमजोर बिल्कुल नहीं है। चुनाव की हार जीत तो अपनी जगह अलग होती है, लेकिन झारखंड में भारतीय जनता पार्टी 14 लोकसभा सीट जीतेगी, अगली सरकार भी प्रदेश में भाजपा बनेगी। लेकिन जिस तरह से यहां पे पार्टी के अंदर जो गुटबाजी जो जिस तरह से है तो उस पर किस तरह का ये गुटबाजी आपके एंगल से होगी, आपकी निगाह से होगी। बूथ पर भाजपा का कार्यकर्ता एक है, जो कार्यकर्ता एक है बूथ पर तो चुनाव का परिणाम भी भाजपा के अनुकूल आएगा। बताता हूँ, सेवा पखवाड़ा चल रहा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा हमको सेवा पखवाड़ा का टास्क दिया हुआ है, वो टास्क हम पूरा कर ले 2 अक्टूबर के बाद। 27 को बैठक होने वाली है, 27 को केवल प्रदेश के नव नियुक्त पदाधिकारियों को मार्गदर्शन दिया जाएगा कि आपको अपने अपने क्षेत्र में जाकर कैसे काम करना है। कुछ लोगों को पहले कह दिया गया कि 3-4 दिन के लिए अपने प्रभार वाले प्रदेश में जाओ, कार्यकर्ताओं से बात करके आओ, फिर यहाँ निर्णय लेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।